हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ फिगर है और क्वेश्चन दिया गया है, फाइव आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स फिट टुगेदर एज शॉन इन फिगर। इस फिगर में पाँच छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को अरेंज करके इस फिगर को, बड़े फिगर को फॉर्म किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल? एक रेक्टेंगल का एरिया, इसका या इसका या इसका, किसी भी एक रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पांच आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स को मिला के इस फिगर को फॉर्म किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पांचों रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? एक समान, एक जैसा। तो सब रेक्टेंगल एक जैसा है तो इसका मतलब सभी का एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरह के पांच आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स को एडजस्ट करके इस तरह से फिगर बनाएंगे, तो ये जो बड़ा वाला फिगर बनेगा ये एक रेक्टेंगल होगा। तो हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर इस फिगर के एरिया को हम लोग निकाल लें, क्योंकि एक रेक्टेंगल है ये, तो लेंथ इनटू ब्रेथ से इसका एरिया फाइंड हम लोग कर सकते हैं और उसको फाइव से डिवाइड कर देंगे तो किसी भी एक रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। कितना सिंपल है। तो एरिया ऑफ इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इसका बोलिए या इसका किसी का भी, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल इक्वल 24 मीटर इंटू 20 मीटर बाय 5, 24 × 4 कितना होता है, 96 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, ये हम लोगों को पता है। तो इस छोटे वाले एक रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। और इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी का 96 मीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना था, सिर्फ एक का निकालना था, तो एक का हमने निकाल लिया, 96 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं इस फिगर को, ये फिगर टू है, इस फिगर को देख लीजिए। और क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी एंगल्स मेजर्स कैन बी सीन इन फिगर टू। तो इस फिगर में कितने एंगल्स के मेजर्स दिए गए हैं, इसको आपको बताना है। और यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक बहुत ही आसान ट्रिक से बनाएंगे। सिंपली आपको क्या करना होगा कि यहाँ से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव हुआ, लेकिन हम लोग इसमें फाइव एंगल, पांच ही एंगल का मेज़र नहीं दिया गया है। जी नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 ठीक है, सभी को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10 और 5, 15 यानी इस फिगर में 15 एंगल्स का मेज़र दिया गया है। कैसे, उसको आप देखते हैं। एक तो ये एंगल हो गया, ठीक है, ये दो हुआ, ठीक है, ये तीन हुआ, ये चार हुआ, ये पाँच हुआ, ठीक। अब देखिए, 6, 7, 8, 9 नाइन एंगल्स हो गए, 10, 11, 12 एंगल्स हो गए, 13, 14 एंगल्स हो गए, और ये पूरा बड़ा वाला एंगल मिला के 15 एंगल हुआ, जो कि हमने आपको शॉर्ट में ट्रिक बताया। आसानी से इस ट्रिक का यूज़ करके आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम लगातार आने वाला कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को जोड़ दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक क्या था, 1, 2, 3, 4, 5 पांच एंगल आपको दिखाई दे रहा था अलग अलग, और उसके बाद हमने गिन के भी बता दिया टोटल कितना हो गया,
15, देख तो रहा था 5 मेज़र दिया गया था, लेकिन टोटल 15 एंगल्स का मेज़र हम लोग को पता था। तो इस तरह से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।